मुंबई लोकल में मर्डर किया गया है, जहां ये खबर सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेन की भीड़ भाड़ से अनुमान यात्री वाकिफ है। लोकल में इतनी भीड़ होती है कि लोगों को पैर रखने की जगह भी मुश्किल से मिल पाती है। इस भीड़ से बचने के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के 65 वर्षीय रिटायर्ड कर्मचारी गुरुवार को अपनी यात्रा के दौरान लगेज कंपार्टमेंट में चढ़े थे, लेकिन कल्याण और टिटवाला के बीच उनका एक साथी यात्री के साथ कथित विवाद हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार होने की कोशिश में था, लेकिन अन्य यात्रियों ने आरोपी को पकड़ लिया और कल्याण जीआरपी को सौंप दिया। मृतक की पहचान कल्याण के पास अंबिवली इलाके के रहने वाले बब्बन हांडे के रूप में हुई है। कल्याण जीआरपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया उन्हें शक है कि विवाद के कारण हत्या हुई। वे अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। जीआरपी पुलिस इस मामले में यात्रियों से पूछताछ कर रही है। कल्याण जीआरपी ने कहा है कि विवाद के बाद हुई झड़प के दौरान संदिग्ध ने कथित तौर पर हांडे को धक्का दिया। धक्का इतनी तेज था कि बुजुर्ग ट्रेन में किसी सख्त चीज से टकरा कर गिर गया और चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई। जीआरपी ने उसके शव को कल्याण के रुक्मणीबाई अस्पताल भिजवाया और उसकी जेब की जांच करने पर मृतक के बेटे के राशन की गाड़ी मिली। एक टीम ने उनके अंबिवली स्थित आवास का दौरा किया, जहां उन्हें मृतक का नाम पता चला। कल्याण जीआरपी के वरिष्ठ निरीक्षक मुकेश धागे ने कहा, अभी तक संदिग्ध ने अपराध स्वीकार नहीं किया है। आरोपी को टिटवा स्टेशन पे जनरल बोगी में से उसको मतलब एक जो पैसेंजर थे उन्होंने बताया कि इसके पैर को खून वगैरह लगा है, तो उसको स्टाफ ने तुरंत उसको ताबे में लिया और आगे के इन्वेस्टिगेशन में उसका मतलब उसने ही ये खून किया है ये साबित हो। जीआरपी सूत्रों ने कहा कि उन्होंने कल्याण रेलवे स्टेशन पर लगी सीसीटीवी कैमरे के जरिए कुछ चश्मदीदों का पता लगाया और उनके बयान दर्ज करने की प्रक्रिया अभी जारी है। मृतक के परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटे और एक बेटी की वो 4 साल पहले मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से सेवानिवृत्त हुए थे। मृतक के बेटे ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई कैसे ऐसे बुजुर्ग को ट्रेन में मार सकता है। फिलहाल इस घटना से हर तरफ सनसनी फैली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।